डिफरेंसिबिलिटी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम अपन आज प्रूव करेंगे, डारबॉक्स थ्योरम। डारबॉक्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इसका लिखें, काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम है डिफरेंसिबिलिटी की। स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंसिएबल इन इंटरवल ए बी, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंसिएबल इन इंटरवल ए बी एंड के इज ए नंबर एंड के इज ए नंबर नंबर बिटवीन बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, देन दियर एग्जिस्ट ए नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू के, एफ डैश सी इक्वल टू के। ये प्रूव करना है डारबॉक्स थ्योरम, यानी कि फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या दे रखा है, डिफरेंसिएबल दे रखा है। एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में कोई भी वैल्यू के है, तब प्रूव करना है कि एफ डैश किसी ना किसी पॉइंट पर के को अटेन करता है, ठीक है। अगर के एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उस केस में कोई ना कोई सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश पॉइंट सी पर किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा या इस वैल्यू को अटेन करेगा, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूटी में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी कि हर एक वैल्यू को अटेन करेगा, लगभग उसी टाइप की थ्योरम यहां पर डारबॉक्स थ्योरम है कि अगर एफ डैश और एफ डैश बी के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, तब वो नंबर हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पर फंक्शन एफ डैश के द्वारा क्या किया जाएगा, अटेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ अपन करेंगे, सिंस के इज बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, अपन ने ये मान लिया कि के एफ डैश ए और एफ डैश बी के कहीं बीच में है। लेट इस तरह से मैंने अज्यूम कर लिया, लेट एफ डैश ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ डैश बी, एफ डैश बी, ठीक है। और ये हो सकता है एफ डैश ए इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एफ डैश बी, दोनों ही केसेज पॉसिबल है, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं थ्योरम को प्रूव कर रहा हूं, सिमिलर वे में अपन सेकंड केस के लिए भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट में कंसिडर कर रहा हूं, वेन एफ डैश ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ डैश बी, इस केस में थ्योरम को मैं प्रूव करूंगा। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें डिफाइन ए फंक्शन एच एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं कि एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस तरह से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या दे रखा है, डिफरेंसिएबल दे रखा है। के कॉन्स्टेंट है, तो के एक्स अगर कोई भी फंक्शन लोगे तो ये फंक्शन भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या होगा, डिफरेंसिएबल होगा। तो दो डिफरेंसिएबल फंक्शंस का डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंसिएबल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एच एक्स इज डिफरेंसिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इज डिफरेंसिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि दो डिफरेंसिएबल फंक्शंस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, डिफरेंसिएबल होता है। तो एच एक्स अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफरेंसिएबल है, दिस इंप्लाइज एच एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन
क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो एच एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब वो निश्चित रूप से क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। एच एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और एच एक्स अगर कंटिन्यूअस है दिस इंप्लाइज एच एक्स इज बाउंडेड, एच एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड अटेंस अटेंस इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सुप्रीमम एंड इन्फिमम एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस इन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पर सुप्रीमम और इन्फिमम को कम से कम एक बार अटेन करेगा। ये हमने पढ़ा है एच एक्स बाउंडेड होगा बाउंडनेस थ्योरम से, और सुप्रीमम और इन्फिमम को अटेन करेगा इस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पर, इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टेस्ट थ्योरम है। ठीक है, मोस्टेस्ट और बाउंडेड थ्योरम लगाते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल, देन वी कैन अप्लाई बाउंडनेस थ्योरम एंड मोस्टेस्ट थ्योरम। तो एच एक्स यहां पर क्या प्रूव हो गया, बाउंडेड, और एच एक्स अपने सुप्रीमम और इन्फिमम कम से कम एक बार इस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेगा, अटेन करेगा। अब देखिए आप, फंक्शन एच डिफरेंशिएबल है, तो सिंस एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और माइनस के, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया मैंने, तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश और माइनस के, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं एच डैश ए लिखूं देन एच डैश ए इक्वल टू, एच डैश ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश ए माइनस के, एफ डैश ए माइनस के, और साथ ही हमने क्या लिया, इस क्या लेकर चल रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एफ डैश ए क्या है, लेस देन के एंड इट इज लेस देन एफ डैश बी। तो एफ डैश ए अगर लेस देन के है, यानी कि एफ डैश ए माइनस के क्या है, लेस देन जीरो, एफ डैश ए माइनस के इज लेस देन जीरो, तो एफ डैश ए माइनस के लेस देन जीरो हो गया। यहां से मेरे पास आ गया एच डैश ए इज लेस देन जीरो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर लेस देन जीरो है, तब लास्ट जो थ्योरम अपन ने की थी, पॉइंट ए के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं देन देन दियर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, इस तरह से नेबरहुड मैंने बना दिया, ए कोमा ए प्लस डेल्टा, ए कोमा ए प्लस डेल्टा, सच दैट फंक्शन एच एक्स, फंक्शन एच एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ए कोमा ए प्लस डेल्टा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो गया, एच एक्स डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, दैट इज यहां पर अगर मैं कोई भी एक्स लू इसमें, इस इंटरवल के अंदर, दैट इज एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ए, क्योंकि इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लोगे अगर आप, वो तो ग्रेटर देन ए तो है ही। ठीक है, क्योंकि ए के राइट साइड में चल रहे हो आप, एक्स ग्रेटर देन ए, दिस इंप्लाइज एच एक्स इज लेस देन एच ए, क्योंकि एच क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एच अगर डिक्रीजिंग है, तब एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, तो इनकी इमेजेस का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां ग्रेटर देन था, तो यहां पर क्या आ गया, लेस देन, एच एक्स इज लेस देन एच ए, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एच कैन नॉट अटेन इट्स इन्फिमम 8.a। देखो आप यहां से, इसका मतलब यह कि पॉइंट ए पर फंक्शन का इन्फिमम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है एच की, उससे छोटी वैल्यू आपको मिल रही है एच एक्स। तो अगर इससे भी छोटी वैल्यू अगर मिल, कोई एक्स ऐसा मिल रहा है जिस पर इससे छोटी वैल्यू आ रही है, तब पॉइंट ए पर फंक्शन एच अपना इन्फिमम अटेन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ए पर जो वैल्यू है वो किसी पॉइंट से ज्यादा आ रही है, तो ये तो इन्फिमम हो ही नहीं सकता पॉइंट ए पर। इसी तरह से अगर मैं एच डैश बी लिखूं,
एच डैश बी इक्वल टू, नाउ एच डैश बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो एच डैश एक्स मेरे पास है तो एच डैश बी क्या हो जाएगा, एफ डैश बी माइनस के, एच डैश बी इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के, क्या चल रहा है मेरे पास, एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी, और यहां से आप देखिए एफ डैश बी माइनस के क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज एच डैश बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो एच डैश बी अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एच बी के नेबरहुड में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन इन बी के नेबरहुड के अंदर, तो बी का मैं नेबरहुड यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बी का नेबरहुड किस तरह से बना सकते हैं अपन, बी माइनस डेल्टा वन कोमा बी, ठीक है, क्योंकि यहां है मेरे पास बी, बी से राइट साइड में तो जा ही नहीं सकते, बी से ही धराओगे आप, बी माइनस डेल्टा वन, और इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट अपन लेंगे एक्स, देन एक्स अगर मैं लूं कोई भी पॉइंट तो एक्स क्या होगा, लेस देन बी, एक्स लेस देन बी, दिस इंप्लाइज एच एक्स इज लेस देन एच बी, क्योंकि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, इसलिए लेस देन का साइन है, तो यहां पर जब इमेज लोगे तो भी लेस देन का ही साइन आएगा, तो एच एक्स इज लेस देन एच बी, दिस इंप्लाइज एच कैन नॉट अटेन अटेन इट्स इन्फिमम 8b, तो यहां से देख सकते हो कि b पॉइंट पर भी फंक्शन का इन्फिमम नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट x ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उन पर फंक्शन की वैल्यू b पर जो वैल्यू आ रही है उससे छोटी है, इसका मतलब b पर जो वैल्यू आएगी वो इन्फिमम नहीं होगी, तो अपन ने ये प्रूव कर दिया अभी तक कि जो फंक्शन h हमने डिफाइन किया है वो फंक्शन a पॉइंट पर अपना इन्फिमम अटेन नहीं कर रहा है, साथ ही वो फंक्शन b पॉइंट पर भी अपना इन्फिमम अटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एच एक्स अटेन अटेन इट्स इन्फिमम इन्फिमम इन ओपन इंटरवल ए बी, तो जो एच एक्स का इन्फिमम होगा वो किस पर होगा, ओपन इंटरवल ए बी पर, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पर भी इन्फिमम अटेन नहीं हो रहा है, बी पॉइंट पर भी इन्फिमम नहीं मिल रहा है, तो ए और बी पॉइंट पर तो मिल ही नहीं रहा है, ए और बी पॉइंट आपने हटा दिए, यानी कि जो इन्फिमम मिलेगा वो ओपन इंटरवल के किसी ना ए और बी के अलावा किसी पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी, लेट एच एक्स अटेन्स इट्स इन्फिमम एट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ये मैंने मान लिया कि फंक्शन एच एक्स का जो इन्फिमम है वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, सी पर, दैट इज एच सी इक्वल टू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज व्हाट, इन्फिमम ऑफ एच इन्फिमम, ये मैंने मान लिया कि ओपन, अपन ने प्रूव कर दिया कि ना तो ए पर इन्फिमम है ना ही बी पर इन्फिमम है, इसलिए ओपन इंटरवल ए बी के किसी ना किसी पॉइंट पर इन्फिमम होगा, ओपन इंटरवल के जिस पॉइंट पर इन्फिमम अटेन कर रहा है वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया, सी, तो एच सी इक्वल टू किसके हो गया, एम के, ठीक है, जहां एम मैंने क्या ले लिया, इन्फिमम ऑफ एच, इन्फिमम ऑफ एच। अब देखिए आप यहां से अगर मैं देखूं, नाउ इफ इफ एच डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एच डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये सी मैंने ले लिया यहां पर सी, और सपोज इधर मेरे पास बन गया सी माइनस डेल्टा, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन दियर एग्जिस्ट इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा या सी माइनस डेल्टा से सी तक केवल मैं ले रहा हूं सी माइनस डेल्टा टू सी सच दैट एच एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग इन दिस नेबरहुड या इस तरह लिख दिया केवल देयर एग्जिस्ट दिस इंटरवल सच दैट एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट ठीक है, क्योंकि
अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, तब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन एच एक्स क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इसके अंदर. दैट इज देन देन फोर फोर एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी, एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा कोमा सी. अगर x में इसके अंदर ले रहा हूं, x इसके अंदर ले रहा हूं, देन क्या होगा? देन ये होगा hx इज लेस देन hc, लेस देन hc. ये कंडीशन मिलेगी आपको. क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर c माइनस डेल्टा से c के बीच में कहीं पर भी आप x ले रहे हैं, यहां सपोज मैंने x लिया, तो यहां x क्या हो रहा है? लेस देन c आएगा. तो x अगर लेस देन c है तो fx लेस देन fc होगा, क्योंकि f क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो यहां मैं h ले रहा हूं, तो x अगर लेस देन c है तब hx क्या होगा? लेस देन hc, सेम साइन आएगा. रीजन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन आप ले रहे हो. तो hx लेस देन hc, तो hx अगर लेस देन hc आ रहा है, दिस इंप्लाइज c इज नॉट इनफिमम विच इज कॉन्ट्राडिक्शन नॉट इनफिमम ऑफ, भाई इसका मतलब तो सी पॉइंट पर इनफिमम मिल ही नहीं रहा है आपको, क्योंकि सी पॉइंट पर जो एच की वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू के पॉइंट आपको वहां पर मिल रहे हैं. तो सी पॉइंट पर इनफिमम वैल्यू नहीं मिल रही है. दिस इंप्लाइज, या ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एम इज नॉट, क्योंकि एच सी किसके बराबर है? एम के बराबर. तो एम से भी छोटी वैल्यू आपको मिल रही है. अगर एम से छोटी वैल्यू फंक्शन की मिल रही है तो एम क्या नहीं हो सकता? इनफिमम नहीं हो सकता. लेकिन स्मॉल एम को तो इनफिमम मानकर चले हम, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है यहां पर? कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है. किस केस में? जब मैंने एच डैश सी क्या लिया है? ग्रेटर देन जीरो, उस केस में मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है. अगेन इफ एच डैश सी इज लेस देन जीरो, अगर मैं ये ले लूं, सपोज एच डैश सी क्या है? लेस देन जीरो. अगर एच डैश सी लेस देन जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देन दियर एग्जिस्ट इंटरवल सी कोमा सी प्लस डेल्टा वन सच दैट एच एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट. ठीक है, तो ये मेरे पास सी पॉइंट, इधर क्या है? सी प्लस डेल्टा वन. मैं कह रहा हूं कि अगर पॉइंट सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा. डिक्रीजिंग है तब क्या हो जाएगा? अगर यहां मैं एक्स कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तब क्या आ रहा है मेरे पास? एक्स क्या बन रहा है यहां पर? ग्रेटर देन सी. और डिक्रीजिंग के केस में देन क्या मिलेगा आपको? एच ऑफ एक्स इज लेस देन एच सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा वन. क्योंकि अगर x में इस इंटरवल में ले रहा हूं तब x c से बड़ा होगा, और h अगर डिक्रीजिंग है तब hx लेस देन क्या हो जाएगा? hc हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा डिक्रीजिंग के केस में. और hc किसके बराबर है? स्मॉल m के बराबर. हमने कहा है कि भाई c पॉइंट पर फंक्शन अपना इनफिमम अटेन कर रहा है, इसका मतलब m से छोटी वैल्यू यहां पर भी मिल रही है आपको. ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको? अगर m से छोटी मिल रही है, दिस इंप्लाइज m इज नॉट इनफिमम. M is not infimum, which is contradiction. क्योंकि M को अपन H का क्या मानकर चल रहे हैं? Infimum मानकर चल रहे हैं. ठीक है, ये. तो अगर H dash की value किस point पर? C पर. Greater than zero में ले रहा हूं तो contradiction आ रहा है. H dash C की value less than zero में ले रहा हूं तो भी contradiction आ रहा है. इसका मतलब केवल एक possibility बची हमारे पास. So we have एच डैश सी इक्वल टू जीरो. भाई एच डैश सी की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी, या जीरो से छोटी होगी, या जीरो के बराबर होगी. अगर एच डैश सी जीरो से बड़ा या छोटा है तो उस केस में दोनों ही केसेस में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिले. इसलिए एक ही केस आपके पास बचा कि एच डैश सी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर. सिंस एच डैश सी इक्वल टू, भाई एच एक्स क्या डिफाइन किया था आपने? एफ एक्स माइनस के एक्स. तो एच डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास? एच डैश एक्स इक्वल टू क्या है? एफ डैश एक्स माइनस के. और यहां से एच डैश सी इक्वल टू हो गया एफ डैश सी माइनस के. और एच डैश सी किसके बराबर है? जीरो के बराबर. इक्वल टू जीरो.
दिस इंप्लाइज f dash c इक्वल टू k वेयर c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, यानी कि अगर k मैंने f dash a और f dash b के बीच में कोई भी एक नंबर लिया था, तब ओपन इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन के डेरिवेटिव की पॉइंट c पर वैल्यू किसके बराबर होगी, k के बराबर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम फोर f डैश a ग्रेटर देन k ग्रेटर देन f डैश b। तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, f डैश a लेस देन k लेस देन f डैश b के केस में अपन ने प्रूव कर दी। बिल्कुल सिमिलर वे में अपन f डैश a ग्रेटर देन k ग्रेटर देन f डैश b के केस में भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डारबॉक्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो डारबॉक्स थ्योरम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पास है कि कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और k f डैश a और f डैश b के बीच में कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, तब कोई ना कोई पॉइंट ओपन इंटरवल में ऐसा होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव k के बराबर होगा, या फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश a और f डैश b के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी उन सबको कम से कम एक बार अटेन करेगा। ये डारबॉक्स थ्योरम है। डारबॉक्स थ्योरम का ही एक अल्टरनेट और अपन प्रूव कर सकते हैं, वो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।